यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस आवाज को देश के अलग अलग कॉर्नर में बुलंद करने वाले डॉक्टर एजाज अली साहब, दिल्ली प्रदेश के इस संगठन के अध्यक्ष भाई मैनी एसर मंसूरी साहब, मंच पर विराजमान तमाम सम्मानित बुजुर्ग साथीगण और इससे मावलकर हाल के ऑडिटोरियम में उपस्थित तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्गों, बच्चों, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, सभी को मेरा सलाम। दोस्तों, ये प्रोग्राम बहुत ही एक ऐतिहासिक समय पर किया गया है। मेरे से पूर्व आज के मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हमारे पूर्व वक्ता ने जिस हिसाब से अपनी बात रखी, आज समय की आवश्यकता है कि देश के अंदर जो सियासी ताकतें हिंदू और मुस्लिम के नाम पर दंगा करा करके सियासत कर रही हैं, उस सियासत को कैसे रोका जाए और देश में अमन और चैन का पैगाम कैसे दिया जाए। आज हालात यह है कि जातियों को पूछ पूछ करके और युवाओं को रोक रोक करके कत्ल किए जा रहे हैं। रोड पर निकलते हुए युवाओं को पूछा जाता है कि उसकी जाति क्या है और उसकी जाति की पहचान करके उनका कत्ल किया जा रहा है। क्या हो रहा है इस मुल्क में? सहारनपुर के अंदर इसी तरीके की घटना हुई और वहां पर एक गांव के अंदर निहत्तर लोगों पर वार किया गया, महिलाओं के हाथ काट दिए गए, अस्तन तक काट दिए गए, लोगों के घरों को जला दिया गया, तबाही मचा दी गई। तो वहां की धरती से एक आवाज निकली भीम आर्मी के नाम से और वो भीम आर्मी की आवाज आज पूरे मुल्क के अंदर, अलग अलग देश के अंदर फैल चुकी है और वो आवाज आज ये पुकारने के लिए पूरे देश में आह्वान कर रही है कि आज इस मुल्क को अगर सियासी ताकतों से बचाना है तो देश के अंदर दलितों को और मुस्लिमों को एक साथ आना होगा। जब तक ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तब तक ये दोनों ही वर्ग अपनी इबादत करने में नाकामयाब साबित होंगे। एक सियासी तौर पर, एक सांसद के तौर पर जब देश आजाद हुआ और इसी देश के अंदर जब देश का संविधान लागू हुआ, तो संविधान के बनाने वाले लोगों ने सभी जाति और वर्ग के गरीब लोगों के लिए देश में आरक्षण की व्यवस्था की थी, चाहे उसमें हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी के लिए एक आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। मगर 1940 से लेकर के और 1950 के दरमियान जब भारत का देश का संविधान लिखा जा रहा था, तो इस देश के अंदर हिंदू महासभा और उस समय के मनवादी लोगों ने क्लियर यह कहा था कि इस देश के अंदर जो संविधान बनाया गया है, यह संविधान हमारा संविधान नहीं है, क्योंकि यह संविधान देश के अंदर गरीबों को, वंचितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को बराबरी का दर्जा देता है, इसलिए यह संविधान हमारा संविधान नहीं हो सकता। और उन्होंने उसी समय एक कसम दिखाई थी कि जब भी हमारी हुकूमत इस देश के अंदर आएगी तो हम इस संविधान को बदलकर रखेंगे। आज वो समय आ चुका है, आज देश के अंदर वो समय आ चुका है। आज आपने देखा होगा टीवी के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, मंत्रियों के माध्यम से, आज केंद्र में बैठी हुई सरकार इस बात का ऐलान कहीं ना कहीं आज भी करती है कि यह संविधान
बदला जाएगा, क्योंकि ये संविधान इस देश की वर्ण व्यवस्था के और मनुस्मृति के अनुकूल नहीं है। ये पूरे देश के अंदर चल रहा है, ये तो शुक्र है देश के अंदर कि जो सबसे बड़ा यहां की पंचायत है राज्यसभा, वहां पर केंद्र की सरकार का पूर्ण बहुमत नहीं है। अगर वहां पर इनका पूर्ण बहुमत होता तो ये अभी तक इस देश के संविधान को दोस्तों बदल लिए होते। इनका एजेंडा सिर्फ देश के संविधान को बदलने का ही नहीं है, बल्कि इनका एजेंडा देश के अंदर संविधान बदलने के साथ साथ इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना भी है। और अगर ये हिंदू राष्ट्र घोषित होता है और इस देश के अंदर संविधान को बदलने की प्रक्रिया हो जाती है तो इस देश के अंदर सबसे बड़ा नुकसान अगर होगा तो इस देश के अंदर रहने वाले मुस्लिम और दलित समाज के लोगों को होगा। इसलिए आज इस देश के अंदर, आज इस मुल्क के अंदर, पूरे देश के अंदर आज ये जरूरत महसूस की जा रही है कि मुस्लिम और दलित समाज को एक दूसरे का साथ देने के लिए आगे आना चाहिए और आगे आना पड़ेगा। आगे के इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मैंने महसूस किया है, वो है आर्टिकल 341 के अंदर जो 10 अगस्त 1950 को मजहबी पाबंदी लगा करके आरक्षण के दायरे से यहां के अल्पसंख्यक समुदाय को दूर करने का प्रयास किया गया था। आज ये सम्मेलन उस बात की मांग करता है कि वो पाबंदी जो है हटाई जाए, ठीक उसी तरीके से हटाई जाए जैसे 1956 के अंदर इस देश के अंदर सिखों के ऊपर लगी हुई पाबंदी को हटाया गया था। सिखों के अंदर से पाबंदी हटाई गई तो आज उसका परिणाम है कि देश के अंदर सरदार बूटा सिंह के नाम से देश का गृह मंत्री बना, आपको याद होगा, आपने सुना होगा। और पूरे देश में बहुत सारे सिख समुदाय के लोग आरक्षण का लाभ उठाकर के मंत्री बने हैं, एमएलए बने हैं, एमपी बने हैं। आज सवाल यह है कि 70 साल के अंदर जब इस समय समय पर लगी हुई मजहबी पाबंदी सिखों के ऊपर से हटा ली गई, बौद्धों के ऊपर से हटा ली गई और मंडल कमीशन के समय में जो देश के पिछड़ा वर्ग है उसके ऊपर भी इस तरीके की पाबंदी हटा करके उनको भी आरक्षण के दायरे में कर दिया गया, तो आखिर क्या कारण है कि 70 साल देश को आजाद हुए हो गए, इस देश के अल्पसंख्यक दलित जिनका आज दो दो बार कमेटी बना करके आकलन किया गया, सच्चर कमेटी बनाई गई, रघुनाथ मिश्रा का आयोग बैठाया गया और दोनों ही कमेटियों ने यह कहा कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और हर तरीके से शैक्षिक आधार पर देश का मुस्लिम समाज की स्थिति आज कई जगह पर, कई क्षेत्रों में दलितों से भी ज्यादा बदतर है, इसलिए इनको मुख्य धारा में जोड़ने की जरूरत है। फिर भी ये कमीशन बैठाए गए, कमीशन की रिपोर्ट आ गई तो 70 साल के अंदर हुकूमत बदली, ताज बदले, राज बदले, जमाना बदला दोस्तों, लेकिन 70 साल पहले इस समाज के ऊपर लगी हुई जो मजहबी पाबंदी थी उसको आज तक नहीं हटाया गया। आज उस मजहबी पाबंदी को हटाने के लिए और देश की जनता को जागरूक करने के लिए आज इस सम्मेलन का आयोजन हुआ है और भीम आर्मी पूरी शिद्दत के साथ डॉक्टर एजाज अली के माध्यम से और राष्ट्रीय यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के प्लेटफॉर्म के ऊपर दिल्ली की राजधानी के अंदर आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में जो ये मुद्दा उठाया गया है शिद्दत के साथ इसका पुरजोर समर्थन करती है और पूरे देश में इसका ऐलान करती है कि जहां जहां पर भी इस तरीके के सम्मेलन होंगे, जहां जहां पर भी इस तरीके की आवाज उठाई जाएगी, जहां जहां पर भी मुस्लिमों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ सड़क पर लड़ाई लड़ी जाएगी, भीम आर्मी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के तन मन धन तैयार करता है। इस सम्मेलन का एक और उद्देश्य है कि जिस तरीके से देश के अंदर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के ऊपर SC ST SOCT एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज होता है, अगर उनके खिलाफ कोई अपशब्द बोलता है, उनके खिलाफ किसी भी
कानूनी तरीके की साजिश रची जाती है तो एक एक्ट बना हुआ है जो 1989 में बना था, और उस एक्ट के तहत डॉक्टर एजाज अली का यह मानना है, इस संगठन का यह मानना है कि जिस तरीके से देश में एससी और एसटी के लोगों के खिलाफ हरिजन एक्ट बना हुआ है, उनकी हिफाजत के लिए बना हुआ है, अगर उस एक्ट के तहत देश के अल्पसंख्यक समाज को भी शामिल कर लिया जाए तो शायद देश के अंदर जो मनवादी ताकतें आज रास्ते में रोक रोक करके बच्चों का लोगों का कत्ल कर रही है, शायद वहां पर उस एक्ट में अगर ये समाज आ जाता है तो शायद वहां पर हमें रियायत मिलेगी, शायद हमें उससे छूट मिलेगी, शायद देश का माहौल बदलेगा। तो इसमें भी हमारा ये कहना है, हमारा ये मानना है कि अगर ऐसा होता है तो दलितों की ताकत इससे कम नहीं होगी, दलितों की ताकत इससे बढ़ेगी, क्योंकि इस घर के अंदर आज एससी एसटी होने के बावजूद भी देश में हो क्या रहा है, आज भी तो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, आज भी तो उनके घर चलाए जा रहे हैं, आज भी तो उनकी बहु बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, क्या ऐसे बनने से वो रुक गया? नहीं रुका, इसलिए नहीं रुका क्योंकि उनकी तादाद उस संख्या में नहीं है जितनी बड़ी तादाद इस देश के अंदर जुर्म करने वाले लोगों की है। लेकिन अगर अल्पसंख्यक वर्ग के साथियों को इस समाज को भी एससी एसटी एक्ट के दायरे में कर दिया जाता है तो 25% के लगभग दलित और 25% की भागीदारी, अगर 50% के ऊपर ये पाबंदी लग जाती है और ये दायरे में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से जो इस तरीके के खुराफाती शक्तियां हैं, जो इस तरीके का माहौल बना करके इस देश में दंगा पैदा करके अपना उल्लू सीधा करना चाहती है तो ये बड़ी संख्या होने के बावजूद उस एक्ट का पूरा लाभ दलितों को भी मिलना शुरू होगा और मुस्लिमों के ऊपर ये एक्ट लागू होने से उनके ऊपर भी होने वाले अत्याचारों में हमें कमी मिलेगी। तो इसका भी हम समर्थन करते हैं। और दोस्तों आज इस चीज की आवश्यकता है कि मात्र सम्मेलन कर लेने से, मात्र भाषण दे देने से और एक साथ एक दिन बैठ लेने से ये सियासत बदलने वाली नहीं है। आज देश का जो दुश्मन है, जिसे हम अपना दुश्मन मानते हैं, वो बहुत ही शातिर है, ताकतवर है, सोची समझी नीति के तहत उसने देश के अंदर एक माहौल पैदा करने का काम किया है। अभी आपने देखा होगा करणी सेना के नाम से चंद लोगों ने, चंद गुंडों ने देश के अंदर किस तरीके से हाहाकार मचाया, लेकिन उनके ऊपर पूरे देश में किसी भी गुंडे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और वही काम भीम आर्मी में भाई चंद्रशेखर ने वहां पर आवाज उठाई तो उसके ऊपर लाशुंडा लगा करके उसको जेल के अंदर बंद किया हुआ है। हाई कोर्ट ने वहां पर जमानत दे दी, उसके बावजूद भी 3 महीने के लिए लाशुंडा बढ़ा दी गई है। मेरे कहने का यह है कि हमारा दुश्मन आज इतना ताकतवर है कि देश का प्रधानमंत्री उसका है, देश का राष्ट्रपति उसी का है, देश का पूरा शासन तंत्र उनका है, कोर्ट उनका है, कचहरी उनकी है, पुलिस उनकी है, देश के अंदर 500 एमएलए, 200 सीएमपी, तमाम तंत्र उनका है। तो दोस्तों जब तक हम सब लोग मिलकर के उनका मुकाबला सियासी तौर पर नहीं करेंगे तब तक उस दुश्मन को हरा पाना बड़ा मुश्किल काम है। वक्ता जिली बड़ी लंबी है, ये सम्मेलन बहुत ही सुनियोजित तरीके से हुआ, अनुशासित तरीके से हुआ। मैं आज के आयोजकों का विशेष रूप से हाफिज जी साहब का, गुलाम सरवर साहब का, भाई जागीर आलम जी का जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया, डॉक्टर एजाज अली का और मंसूरी साहब का तय दिल से मैं शुक्रगुजार करता हूँ। और आए हुए तमाम साथियों को मैं एक बात पुनः आज के इस प्रोग्राम की सफलता का धन्यवाद करते हुए मुबारकबाद देते हुए आगे आने वाले समय में हम लोग कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे और देश में एक नया इतिहास लिखेंगे। इसी के साथ अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।